हमारे रिपोर्टर अब्बास सैयद की रिपोर्ट। नागपाड़ा मुंबई धरना प्रदर्शन जबरदस्त। कांग्रेस कार्यकर्ता जीशान अहमद के साथ काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। औरतें और आदमियों ने मोदी के हाय हाय के नारे लगाए। कठुआ और उन्नाव रेप केस में मोदी सरकार नाकाम है, ऐसी सरकार हमें देश में नहीं चाहिए। इनका ये मानना है कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो देश के अंदर सुकून और चैन दे सके और अबाम आराम से जी सके। जीशान अहमद ने प्रधानमंत्री की नाकाम सरकार को चूड़ियों के बॉक्स पोस्ट किए हैं। अरे रुपट्टा को भेंट की जा रही है, बंगड़ी और चूड़ी और रुपट्टा, क्योंकि उनकी सरकार में जो बच्चियों के रेप केस हो रहे हैं उसके तालुक से। आप क्या कहना चाह रहे हैं देश की जनता को और सरकार के लिए, क्या क्या ये प्रोग्राम आपने क्या किस हिसाब से रखा है, क्या सोच कर रखा है? ये इस वक्त देश में इतना गंदा माहौल बना हुआ है कि देश की बच्चियां, देश की औरतें, देश की मुल्क की कोई भी नागरिक सेफ नहीं है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द एक्शन लें और इस तरह की जो वारदात हो रही है उसको रोकें, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो चुकी है। कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, कहाँ गई वो सुषमा स्वराज जी, आज उनके मुंह बंद क्यों हैं? मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि अब ये चूड़ी जो है, ये देश की बेटियाँ जो हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ इस मुल्क की मोदी जी को भेंट करने जा रही हैं, चूड़ियाँ और रुपट्टे। एंगल और बॉल ये स्पीड पोस्ट आपको करना चाहिए, आपको पार्सल करना चाहिए। ये चूड़िया है, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या संदेश है, आप उनसे क्या मांग कर रही हैं? हमसे एक ही मांग करते हैं कि सारी औरतों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अभी इसमें तो हमेशा कुछ भी होता है तो लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने थे, लड़कियां लेट नाइट को बाहर निकली थी, ये सब पॉइंट वो लोग उठाते हैं। अभी 8 साल की बच्ची का तो कुछ कसूर नहीं है, तो भी उसके साथ हुआ, और वो तो ऐसे भी नहीं मॉडर्न कंट्री, मतलब मॉडर्न जैसे अपनी मुंबई में रहती, तो गाँव में रहती ना, उसका क्या कसूर था, तो भी ऐसा हुआ। और मोदी जी कुछ एक्शन ले नहीं रहे। पहली रेट ये है कि दूसरे शहर में जब रेपिस्ट को सड़ेआम मार दिया जाता है तो इंडिया में क्यों नहीं? इतना मोदी जी इतने साल से वो उनकी सरकार आई है, ना कोई रेपिस्ट को अभी कुछ हुआ, निर्भया का केस हुआ था, रेपिस्ट सिर्फ जेल में क्यों है? जो नाबालिग था वो तो छूट भी गया, तो जब इसको निर्भया के केस में भी किसी को सिर्फ जेल ही अगर रेपिस्ट लोग की सजा है तो उन लोगों को वो भी मत दीजिए ना, वो उन लोग जेल में क्या उखाड़े? जो मर गया जिसकी फैमिली इतनी सही है, तो वो रेपिस्ट को उन लोग की फैमिली के हवाले कर दीजिए, देखिए उनकी फैमिली क्या हाल करती है। किसी का मुंह काला करने से वो रेपिस्ट को उसकी सजा नहीं मिल जाएगी, वो बच्ची मरी उसकी जान की जो वैल्यू है वो किसी को नहीं मिलने वाली। ये बताया जो हिंदुस्तान में जो भी लड़कियां हैं आपकी तरह, जो भी यंग हैं, स्टूडेंट हैं और छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ भी रेप होता है यहाँ पे, ये मसला नहीं कि सिर्फ बड़ों के साथ होता है। आप अपने जो यंगस्टर हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो क्या पॉइंट है कि अगर आज हम लोग खड़े हैं अपने घर छोड़ के, एग्जाम छोड़ के, मतलब सब यूनाइट होकर अगर एक साथ उठे ना, तो मोदी जी के दरवाजे जो इसी में वो बैठे हैं ना, उनको इतना होश आएगा कि सिर्फ चिल्लाने से का कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई जाके उनके घर पे दरवाजे के बाहर खड़ो के चीखे चिल्लाए, उनको बताए कि रेप का क्या मतलब होता है, उसके घर में जो उसके परिवार वाले शहर है उसका क्या मतलब होते हैं ना, तो शायद उनकी आँख खुल जाए। चाय वाले होके वो पीएम बन गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी इतनी फेक डिग्रीज आई का से पॉइंट ये उठता है, और वो अगर इतनी डिग्रीज दिखा रहे तो उनको इसका मतलब पता होना चाहिए कि एक रेपिस्ट की सजा क्या है।
मतलब तेरे खुद की बेटी आप के साथ करना चाहेंगे क्या बोलना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है उसको खड़े रहना चाहिए, दब के नहीं रहना चाहिए। हमको विक्टिम्स नहीं बनना चाहिए, हमको इनफैक्ट फाइटर्स बनना चाहिए। हमसे दुनिया चलेगी, दुनिया से हम नहीं चलेंगे। अगर कल को किसी के साथ भी कुछ होगा, मैं जरा बिना डरे बने खुले आम बोलने की ये हमारे साथ हुआ है, ये इनजस्टिस है और इसके खिलाफ हम सब आवाज उठाएंगे। सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। ऐसे जुड़े रहिए टाइम न्यूज के साथ।